की जयंती मना रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहना है कि डॉक्टर राजकुमार जी बैठे हैं, ऐसे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, वो सब आपको बाबा साहब के बारे में बता चुके और हम उनके अनुयायी है, हम खुद भी एक एक बात जानते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने इस बच्चे के जो शब्द सुने, जो इतना सा बच्चा ये ऐसे शब्द जानता है और जो जिस समाज में पैदा हुआ, आप ये मान के चलो कि इस समाज का भविष्य आने वाले समय में बिल्कुल ही उज्जवल है। ये समाज आगे चल के बिल्कुल उज्जवल भविष्य है। चुनाव का जहाँ तक इन्होंने कहा, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिएगा और माता बहनों से विनती है कि वो जरूर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बड़ा अधिकार जो उनको मिला है, बराबरी का अधिकार मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है, इस संविधान की देन है। हमें भी अपनी माता बहनों की इज्जत करनी चाहिए, दूसरे की माता बहनों की इज्जत करनी चाहिए, जो कि हमारा संविधान कहता है और बाबा साहब कहता है कि एक देश एक कानून, सबकी माँ बहनें जो हैं वो हमारे लिए उतनी इज्जत है जितनी हमारी अपनी की है। इसलिए सब लोग ध्यान से रहें, सतर्क रहें, पूरा समाज एक रहे। अगर बाबा साहब का आशीर्वाद रहा तो इस बार जो भी संविधान में छेड़छाड़ हुई है या जो संविधान के अनुसार सरकारें नहीं चलती हैं, जो मनुवाद वापस लाना चाहती हैं, निश्चित तौर से हम उसको रोकने में, उसको ठोकने में और संविधान को वापस ठीक करने में जरूर कामयाब होंगे। सभी को मेरा जय भीम। और जो इस प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे हैं श्री करण सिंह जी, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं, हमारे भाई का भी करता हूं कि इन्होंने मेरे को आप लोगों से मिलने का, आपके बीच में आने का मौका दिया। जैसा भी हूं, जो भी हूं, हमेशा आपके बीच में रहूंगा, जैसा कि इन्होंने बोल ही दिया। हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला, इसलिए बता देता हूँ कि जब तक मेरे को पार्टी, जब तक पार्टी चाहेगी उतने साल तक मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, यहाँ रहने वाला हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी जहां पर जब भी देगी, निश्चित तौर से राजवीर वही जिम्मेदारी निभाएगा। जब तक पार्टी चाहेगी तब तक मैं दिल्ली में हूं, जहां भी पार्टी चाहेगी, जहां पार्टी प्रमुख जाएंगे वहां रहूंगा। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि सब लोग संगठित रहें, शिक्षित रहें। जैसे छोटा बच्चा है, सब बच्चे ऐसे पढ़ें, शिक्षित होएं, आज नहीं तो कल सबको ये मानना पड़ जाएगा कि इस देश में अगर रहना है तो गैर बराबरी खत्म होएगी। गैर बराबरी खत्म करना यही इनका उद्देश्य था, बाबा साहब का उद्देश्य था, हम सबका उद्देश्य है। निश्चित तौर से हम लगन से और प्रयास से लगे रहेंगे तो एक दिन वो बहुत जल्द आएगा जब इन्होंने अकेलों ने पूरे देश से लड़के, पूरी दुनिया से लड़के और हमारे को संविधान में अधिकार दिला दिया। अब तो हम इतने सारे लोग हैं देश में कि निश्चित तौर से उस अधिकार की लड़ाई अगर आधे आधे घंटे भी लड़ेंगे तो 2-4-5 साल में इस गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म कर देंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि मनुवाद वापस आ सकता है, ये उनकी सिर्फ भूल साबित होगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सभी को जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।